सभी को मेरे तरफ से जय शु। आप सभी को पता है जैसे कि अक्टूबर महीना माता मरियम का होता है, जिसमें हम जपमाला माला विनती करते हैं। तो आइए हमको माँ मरियम स्वास्थ्य कैसे दिलाती है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्वास्थ्य बोले तो क्या है। स्वास्थ्य मतलब क्या है? स्वास्थ्य मतलब शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहना, मीन्स स्वास्थ्य है, इसका मतलब स्वास्थ्य है। तो माँ मरियम हमको स्वास्थ्य कैसे दिलाती है? हम सबको पता है कि हम जब बहुत दुख में होते हैं, हम जब बीमार होते हैं, तो किससे प्रार्थना करते हैं? माँ मरियम से प्रार्थना करते हैं। माँ मरियम के सामने हम जपमाला विनती करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो प्रभु के पास में जाकर हम सबके लिए प्रार्थना करे और हमें स्वास्थ्य प्रदान करे, हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। तो आज हम लोग माँ मरियम से प्रार्थना करेंगे कि हमें अच्छा स्वास्थ्य दिलाए। जैसे कि आप सभी को पता है दुनिया में कितनी बीमारी फैली है, कितने लोग प्रभु के पास जा चुके हैं, सभी को पता है। तो अब आने वाले इस साल में ऐसा कोई भी बीमारी, कोई बीमारी किसी को दुख ना पहुंचाए, ना छोटे बच्चे, ना बड़े, ना बूढ़े। हम सभी के लिए इस साल, आने वाला साल ऐसा हो, आने वाला साल ऐसा हो कि हम सब भी प्रकार की बीमारी से दूर हो जाए। और माँ मरियम से हम प्रार्थना करेंगे कि आने वाला साल हमारे लिए एकदम स्वास्थ्यपूर्णक, सभी के लिए स्वास्थ्य, एकदम स्वास्थ्यपूर्णक, कोई भी बीमारी नहीं, सभी को चंगाई प्रदान करें, ऐसा हम माँ मरियम से प्रार्थना करेंगे। तो आइए इस अक्टूबर महीने में हम सभी लोग मिलके हमारे घर में रोज शाम को माला विनती करेंगे। रोज शाम को माला विनती करके माँ मरियम से हमें प्रार्थना करना है कि हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, हमें, हमारे पड़ोसियों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे भाई बहनों को, जिन सभी को हम माँ मरियम से प्रार्थना करेंगे कि सभी को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। तो आइए आज हम इसी के द्वारा माँ मरियम से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि माँ मरियम हम सबको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। सभी को जय शुभ।